फैमिली कैसे है आप? आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि मैंने ये डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस के कार्ड्स क्यों ऐसे हाथ में पकड़ के रखे और शफल करे जा रही हूँ आपसे बात करने से पहले, क्योंकि हम लोग आज जो है डीएम की चैनलिंग करने वाले और डीएफ की चैनलिंग करने वाले हैं और डायरेक्ट मैसेजेस डीएम और डीएफ से एक दूसरे के लिए निकालने वाले हैं। क्वेश्चन है मतलब डीएम क्या कहना चाहते हैं डीएफ से, डीएफ क्या कहना चाहती है डीएम से, और ऐसे रीडिंग्स में मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ अपने आंखें बंद करके इस चीज़ को फील करें, क्योंकि ये बहुत एक क्लेंजिंग रीडिंग रहती है, तो हम लोगों को एक क्लेंजिंग रीडिंग की ज़रूरत है इस समय पर। तो जो है पहले देखेंगे कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहती है, उस पर डिवाइन मैस्कुलिन क्या जवाब देते हैं, क्योंकि हमेशा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस लेते हैं और डिवाइन फेमिनिन जो है जवाब देती रहती है। तो इस बार हम डिवाइन फेमिनिन को पहले चांस देंगे अपनी बातें रखने का और देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन उनके क्या जवाब देते हैं। तो एक पूरा राउंड करेंगे हम, एक दो राउंड ऑफ कन्वर्सेशन। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए आप लोग जो है इसमें जो है कनेक्ट करें इस रीडिंग के साथ और देखें कि क्या आज के दिन पे टाइमलेस रीडिंग है। जब आप लोग देखोगे तब आप लोगों की ये कन्वर्सेशन वैलिड और एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो चलिए फैमिली हम लोग देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन जो है डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहती है आज के दिन पे। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करना चाहती है, वेडिंग चाहती है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस कहना चाहती है, योर लव योर सेल्फ फर्स्ट कहना चाहती है, एंड दिस कुड बी द वन कहना चाहती है, ठीक है। हमारी जो ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन्स है वो डिवाइन मैस्कुलिन को कहना चाहती है कि मतलब हमें हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करने चाहिए, जो है हम लोग को ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहिए अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो है यू मेक मी फील कि आई डोंट यू नो डिज़र्व लव, क्योंकि ये यू डोंट डिज़र्व लव रिवर्स में है, तो वो कहना चाह रही है कि यू मेक मी फील कि आई डोंट डिज़र्व लव, बट जो है हम लोग ऑलरेडी एक मैरिज में इन्वॉल्व है, एक डिवाइन मैरिज में, और हम लोग ऑलरेडी एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में हैं, हम लोग ऑलरेडी जो है ट्विन फ्लेम्स है और हमारे सोल्स ऑलरेडी टुगेदर है फॉर एवर। तो हम लोगों को ये बात को समझ करके इस चीज़ को एक चांस देना चाहिए, हम लोग को अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। बट मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि आई कुड बी द वन, ठीक है, लेकिन आई एम जो है लविंग माई सेल्फ फर्स्ट। तो डिवाइन फेमिनिन जो है डिवाइन मैस्कुलिन से कहना चाह रही है कि यू नो ये रिकन्सिलिएशन में आ जाना चाहिए, रिकन्सिलिएशन इन रिवर्स है, हम क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग डिवाइन मतलब स्पिरिचुअल 5D पे हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि इस वजह से हमें अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। डोंट मेक मी फील दैट आई डू नॉट डिज़र्व लव, क्योंकि आप वो आपको गोस्ट ब्लॉक कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको ऐसा आप कहना चाह रहे हो। आप ये भी कहना चाह रहे हो कि आप अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, एंड यू नो कि आई एम द वन फॉर यू, ये मुझे पता है। चलिए इस पर डिवाइन मैस्कुलिन क्या जवाब देते हैं वो देखते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आप ये कह रहे हो उनसे तो आपको क्या रिप्लाई में मिलता है? ओके, आई फील सेफर इन साइलेंस, तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, प्लस ये कहना चाह रहे हैं इट्स ईजियर टू स्टे अवे राइट नाउ, इसीलिए वो रिकन्सिलिएशन नहीं कर रहे हैं आपसे। चलिए देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके डिवाइन मैस्कुलिन। आई स्टिल लव यू, वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं, आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को पर्सनली मत लो आप इस सेपरेशन को। फिर और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, वो कुछ तो एक मैसेज देना चाहते हैं। आई नो यू वर राइट बट आई नीडेड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स, कह रहे हैं आपसे कि मैं अभी बात नहीं कर सकता बिकॉज अभी मेरे बहुत ओवररन इमोशंस है, कन्फ्यूज हूँ मैं, ठीक है, मुझे मेरे लिए अभी दूर रहना इजी है, बट मैं तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अभी भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ तुम्हारे वजह से, और मुझे पता है कि तुम हमेशा से सही थी, लेकिन मुझे अपना टाइम चाहिए था।
ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन इस चीज पे क्या जवाब देती है डिवाइन मैस्कुलिन को। ये सुनने के बाद आप क्या कहोगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन को? ये एक 5D कॉन्वर्सेशन है गाइज, तो इमेजिन कीजिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपने सामने आंखें बंद करके, और देखिए कि जब आप उनसे ये कह रहे हो तो आपको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि वो हमेशा आपके पास है 5D में। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन क्या कहना चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। ओके, एक और कार्ड निकल के आना चाहता है, मैं वो भी ले लेती हूँ, और ये रिलीजियस फैक्टर्स। ठीक है गाइस, तो डिवाइन फेमिनिन कहना चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कि यू नो, मैं सी मतलब कहना चाह रही है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कि मैं फॉरगिव और फॉरगेट, फॉरगिवनेस का लेसन सीख रही हूँ मैं। अभी तक मैं फॉरगिवनेस में आई नहीं हूँ, अभी तक मैं जो है हर्ट हूँ, अभी तक मैं अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रही हूँ उस पेन से, उस हर्ट से जो तुमने मुझे दिया है, जो सबने मुझे दिया है, और अभी मैं भी कहीं ना कहीं आई कैनॉट कॉल यू इन, मैं तुम्हें नहीं एज अ सोलमेट बुला सकती, मैं तुम्हें नहीं प्रे और विजुअलाइज कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे फॉरगिवनेस में मतलब सीखना है, मुझे लोगों को माफ़ करना सीखना है। और ये भी कह रही है कि लेकिन आई एम कीपिंग अ ओपन माइंड तुमको लेकर के, भले ही तुमने मुझे हर्ट किया हो, डीपली हर्ट किया हो, जिसको मैं माफ़ भी नहीं कर सकती, और लेकिन मैं तुम्हारे लिए वेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी और को नहीं बुला रही हूँ, मैं किसी और को अपनी लाइफ में नहीं विजुअलाइज कर रही हूँ। मैं मिस करती हूँ कि हम लोग कैसे साथ में थे, हम लोग चिल्ड्रन की तरह इंजॉय करते थे, प्लेफुलनेस था हमारे रिलेशनशिप में, ऑनेस्टी थी, ट्रुथ था। तो ये कह रही है डिवाइन, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर्स है, हम लोग अलग कल्चर से, हम लोग डिफरेंट हैं, लेकिन तभी भी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस था, कीप एन ओपन माइंड, ये कहना चाह रही है डिवाइन फेमिनिन। और ये भी कहना चाह रही कि कहीं हम लोग अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, रिट्रीट करते हैं कहीं जा करके इस दुनिया से दूर, कहीं साइलेंट स्पेस में रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं एक दूसरे को समझ सकते हैं, तुम और मैं एक दूसरे को जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। ये कहना चाह रही है कि कल्चर और ये सब मैटर नहीं करता, साथ में रहना, खुश रहना और एक ओपन माइंड रखना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस है, ऐसा कह रही है डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। तो कहते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं रिटर्न में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको रिटर्न में। आई एम सॉरी आई कुडंट बी राइट बाई यू, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ नहीं है इस समय और आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि आई फील बैडली द वे आई ट्रीटेड यू, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बुरा लग रहा है, उनको गिल्ट है, यू डिजेंट डिजर्व इट, कह रहे हैं कि मैंने बहुत गलत ट्रीट किया है तुमको। वी विल बी टुगेदर अगेन, कह रहे हैं वो आपसे कि हम लोग हमें साथ में आएंगे वापस। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे। हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन, देखिए योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। देखिए वो डिवाइन मैस्कुलिन क्या कह रहे हैं कि मैंने जो भी किया है उसके बाद तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो, क्योंकि आपने कहा ना कि अभी भी मेरे दिल में वूंड्स है, लेकिन आई एम कीपिंग अ ओपन माइंड, और क्योंकि हमारी रिलेशनशिप बहुत डीप था, बहुत चाइल्ड लाइक था, बहुत प्लेफुल था, तो वो कंफ्यूज और वो पूछ रहे हैं तुम अभी भी मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है, ये मैसेजेस जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन को कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन और भी बातें करना चाहती है डिवाइन मैस्कुलिन से, शी डजंट वांट टू लीव। तो चलिए एक और राउंड करते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कि डिवाइन फेमिनिन और क्या कहना चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ये सुनने के बाद। सेपरेशन, सेपरेशन खटकती है डिवाइन फेमिनिन को, मेक द एफर्ट, सेपरेशन ख़त्म करो, हमारा पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है,
ऐसा डिवाइन फेमिनिन कहना चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को. वेरी सून जो है कहना चाह रही है कि ये डिसेप्शन जो है ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी आँखों से जो है ये दुनिया का पर्दा हट जाएगा और फॉल्स और रिलीज़ करो अपने एक्स को क्योंकि वो तुमको धोखा दे रही है. ये डिवाइन फेमिनिन जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कहना चाह रही है कि जिसके साथ भी हो तुम उसको रिलीज़ करो क्योंकि वो आप पर्सन जो है तुमको धोखा दे रहा है, वहाँ पे धोखा है और बहुत ही जल्द तुम्हें इस डिसेप्शन का पता चल जाएगा. ऐसा जो है डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कहना चाह रही है. इस पर डिवाइन मैस्कुलिन क्या जवाब देते हैं देखते हैं हम. चलिए डिवाइन मैस्कुलिन क्या जवाब देंगे इस पर. यू आर एन एंजल कह रहे हैं वो. यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आप एंजल हो, आप उनके सपनों में आते हो, ऐसा कहते हैं वो. आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन. मैंने तो अगर ये डिसेप्शन है, अगर ये धोखा है, तो जो भी हुआ है मेरे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है और तुमको झूठ बोला है क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी था तुमको सच बताने से. और योर वर्ड्स स्टिल लिंगर इन माई माइंड बोल रहे हैं कि अभी भी तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है. एंड आई थॉट अबाउट यू लेटली, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं डिवाइन फेमिनिन. इसको यहीं पे एंड करते एक और कार्ड निकालना चाहते हैं. आई जस्ट वॉजन रेडी फॉर यू, वो तभी आपके लिए रेडी नहीं थे. और ये आप है आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में एक चैनल्ड कॉन्वर्सेशन. आई होप ये आपके लिए ज़्यादा क्लेंजिंग रहेगा. ज़्यादा अभी क्लेंजिंग बोलने पे तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ. कि यहाँ पर आप लोग के डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन में पास्ट का हर्ट, पास्ट का धोखा, पास्ट की फीलिंग्स जो रह गई है आपके अंदर, उसकी क्लीनिंग और क्लियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और यही आज का मैसेज है. तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, तो इट इज़ नेसेसरी कि आप अपने हार्ट में से ये सब निकालो, हर्ट और इस चीज़ को, और फॉरगिवनेस और ट्रू लव और हैप्पी फीलिंग्स और लव की फीलिंग्स अपने अंदर लाओ. हो सके तो लव के मेडिटेशंस भी करो, सेंड करो लव अपने आप को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को. तो आज के लिए वीडियो यही ख़त्म करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.